Hey guys, it's me Ansh and I'm back with another video. तो guys, अगर आप लोग इंडिया में यूज करते हो OnePlus Nord सीरीज के डिवाइसेस तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको OxygenOS 12 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी OnePlus Nord सीरीज का यूजर हूं और अब मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं क्योंकि OnePlus ने अभी बहुत ज्यादा डिले कर दिया अपडेट। पूरी की पूरी आपको इनकी बातें बताऊंगा, पूरे अपडेट की डिटेल बताऊंगा कि एक्जैक्टली आपको अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, करते हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। और गाइज, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस, OnePlus Nord सीरीज के अंदर में टोटल तीन डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, OnePlus Nord, OnePlus Nord 2 एंड OnePlus Nord CE। एंड OnePlus Nord CE डिवाइस मैं भी यूज करता हूं पर्सनली, बहुत अच्छा डिवाइस है एंड इस डिवाइस का एक न्यू अपडेट भी आया। एंड वीडियो के एंड में जो इसका अपडेट आया उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी बता दूंगा। अभी यहां पे हम लोग बात करते हैं तो जो OnePlus Nord डिवाइस है ना, आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत तगड़े से सेल हुआ था एंड OnePlus Nord 2 भी, और जो OnePlus Nord CE डिवाइस है ये तो खाली इंडिया के ही लिए आया था। तो आपको इन तीनों डिवाइसेस के लिए एक बात बता दूं, इनकी जो स्पेसिफिक चीज है वो ये है कि ये डिवाइसेस इंडिया में काफी तगड़े से बिके हैं। तो OnePlus नहीं चाहेगा कि OnePlus का यहाँ पे कोई भी सेगमेंट बिगड़े एंड OnePlus के यहाँ पे जो यूजर्स हैं, जो OnePlus के कस्टमर्स हैं वो बिगड़े। तो आपको पता होगा प्रीवियसली जो OnePlus 9 सीरीज के अंदर अपडेट है वो अपडेट बहुत सारे बग्स से भरा था, और OnePlus ने जो ColorOS के साथ इंटीग्रेशन करी है OxygenOS की, उसकी वजह से जो OxygenOS 12 के अंदर बग्स थे वो आपको देखने को मिले थे, और जो ColorOS 12 था वो आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल आया है। तो यहाँ पे ये कुछ दिक्कतें हो गई। 9 सीरीज के अंदर अपडेट आया था, OxygenOS 12 का अपडेट को रोल बैक कर लिया एंड OnePlus ने जब OnePlus 9 सीरीज के अपडेट को रोल बैक करा तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि OnePlus 8 सीरीज, OnePlus Nord, OnePlus 7 सीरीज का अपडेट डिले हो गया। तो जो OnePlus Nord सीरीज के अंदर OxygenOS 12 का अपडेट है, इसको फाइनली रिसीव हो जाना था ओपन बीटा अपडेट को जनवरी के फर्स्ट वीक में, बट ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि OnePlus 9 सीरीज के अंदर बात बिगड़ी तो OnePlus 8 सीरीज के अंदर भी बिगड़ी। अब जाके OnePlus 8 सीरीज को अपडेट रोल आउट हो रहा है, वो भी ओपन बीटा का, अभी स्टेबल अपडेट भी नहीं हुआ। तो इससे आप लोग ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि आपका जो OnePlus Nord सीरीज का अपडेट है ना, चाहे वो OnePlus Nord हो, OnePlus Nord CE हो, चाहे वो OnePlus Nord 2 हो, इनके अंदर जो अपडेट है वो आपको डिले हुआ है, बहुत ज्यादा हद तक डिले हुआ है। आपको जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा मार्च के एंड तक, क्योंकि मार्च के एंड तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ओपन बीटा आएगा, देन आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। ये भी हम लोग यहां पे क्लियर नहीं है कि आपको मार्च के एंड तक जो अपडेट आएगा वो ओपन बीटा होगा या फिर आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, बट एंड तक अपडेट आ जाएगा, ये बात आप लोग ऑफ श्योर रखो, क्योंकि जो अपडेट है वो बहुत हद तक डिले हुआ है, बट अब इससे ज्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि OnePlus ने अपडेट्स को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। इस बार जो OnePlus 8 सीरीज के अंदर अपडेट आया ना ओपन बीटा का, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये बात देख के काफी अच्छी लगी। OnePlus ने जो OxygenOS 12 को अब इस बार डेवलप करा है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन जो मुझको अच्छे लगे, लाइक आप लोगों को थीम स्टोर, क्योंकि OnePlus के अंदर आप लोगों को फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, थीम्स चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, बट OxygenOS 12 के अंदर अब आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इसके अंदर काफ़ी ईजिली अपनी फॉन्ट्स को, अपने जो आप थीम्स हैं उनको चेंज कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप लोग थर्ड पार्टी थीम्स को भी अप्लाई कर पाओगे, और मुझे तो बेसब्री से इसका वेट है। मैं इसकी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, है ना, मैं इसकी थीम्स की वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा, तो आप लोग उसके लिए स्टे ट्यून कर सकते हो चैनल पे। एंड यहाँ पे बैटरी रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको भी फिक्स करा गया है OxygenOS 12 के अंदर, एंड आपके जो परफॉर्मेंस है उसको भी हद तक इंप्रूव करा गया है, और कैमरा इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे हुई है क्योंकि ओप्पो जाना जाता है मेन कैमरा के लिए, और OnePlus का कैमरा बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड था, तो OnePlus के साथ जो ओप्पो का मर्ज हुआ है उसके साथ आपकी जो कैमरा टेक्नोलॉजी एंड कैमरा जो है एंड जो आपका कैमरा है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है। तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है OxygenOS 12 यूजर्स के लिए। एंड OxygenOS 12 को गाइस इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो, थोड़ा यूज़ करना अपने डिवाइस में, तब आप लोग इसको क्रिटिसाइज करना, बट अभी अगर आप लोग फर्स्ट इंप्रेशंस को देख के इसको क्रिटिसाइज करोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे जो OxygenOS 12 है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ करा है गाइस अपने OnePlus 9 में, है ना, तो OnePlus 9 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रहा है अब, पहले नहीं था अब चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बातें हैं और आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी, और मैं आप लोगों को जल्दी से OnePlus Nord CE के अंदर जो अपडेट आया था उसके डिटेल दे देता हूँ, देन वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। मेरे हाथ में ये OnePlus Nord CE 5G डिवाइस है एंड इस डिवाइस का यहाँ पे जो ऑल ओवर दी परफॉर्मेंस है वो अपडेट के बाद काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, एंड जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट था। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, क्योंकि बहुत बार मुझको लैग एंड स्टटर इशूज आ रहे थे मेरे डिवाइस के अंदर, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं एंड यहाँ पे जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। और उसी के साथ साथ मुझको एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही थी कि यहाँ पे जो AOD थी वो यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, तो ये चीज़ भी एरर यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो OnePlus को इस चीज़ के लिए मेरी तरफ से काफ़ी बड़ा यहाँ पे हेडसअप है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ एंड आपको यहाँ पे मैं अपडेट का चेंज लॉग दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये जो अपडेट था ये था OxygenOS 11.0.14.14 का EB
13DA। तो ये अपडेट था, इसका सीरियल नंबर था। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस की बात करें तो इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी और आपको अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच ऑफ जनवरी 2022 ये चीज़ है। और यहाँ पे जो अपडेट का ऑल ओवर साइज़ है वो देखने को मिलता है 115 MB, तो 115 MB का अपडेट है। और आपको जो अपडेट का यहाँ पे साइज़ है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलता है, बट इसके अंदर जो एरर्स थे वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो मुझको ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। एंड वन प्लस नॉट सी ई डिवाइस के यहाँ पे जो ऑल ओवर थी यहाँ पे चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। और सिस्टम स्टेबिलिटी को इन लोगों ने रियली में इम्प्रूव करा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा परफॉर्मेंस है एंड बाकी सब चीज़ें हैं वो मुझको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बार कैमरा के अंदर कुछ स्टटर्स देखने को मिल रहे थे, एंड कैमरा मेरा काफ़ी हद तक यहाँ पे जब मैं स्लो मोशन को रिकॉर्ड कर रहा था एंड बाकी सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था तो ये यहाँ पे क्रैश हो जा रहा था। तो वो चीज़ भी यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। और उसी के साथ साथ सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो आपके ये बॉक्सेस हैं ये अच्छे से अलाइन नहीं थे, तो इसको भी अच्छे से अलाइन कर दिया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि मैंने आपको इसको अब जब प्रीवियसली एक अपडेट आया था उसमें भी बताया था ये चीज़ को और मैंने आपको दिखाया भी था। तो अब वो चीज़ यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वन प्लस ने इस बार रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है ऑक्सीजन ओएस 11.0.13 के अपडेट के अंदर, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।